अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भोलेनाथ का मंदिर, ठीक है, एक घंटे में आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए, वहीं रहना। बागीचे में जो नए पौधे आए हैं उनको छाट के सारा कचरा साफ करके फिर जाना। हाँ, मैं डॉक्टर बाबू से कैसे भी मिलना होगा मंदिर जाके। डॉक्टर बाबू इंतजार कर रहे हैं, हमें जल्दी जाना होगा। पैसे काम करने के लिए दिए जाते, काम चोरी के लिए नहीं। जो तू यहाँ पर खड़े होके बतियाए फोन पे, चल काम कर अपना। हलिया जी, भोलेनाथ हमें माफ करना, हमें सजा मिली है, हमें डॉक्टर बाबू को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। डॉक्टर बाबू जो भी है तो हमारे पति, हमें अपनी रस्सियां खोलनी होगी। ये क्या ना, फोन क्यों नहीं उठा रही है? Thank you.
फोन कट कर दिया। करना क्या चाहती है ये? एक बार मिलने के लिए कहा था, वो भी नहीं हुआ। इससे पक्का झूठ बोला होगा इसने। I'm sure मंदिर में तो है ही नहीं वो। नहीं क्या करी, इसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। करूं तो करूं क्या? बेटा, मंदिर में इंसान गुस्सा नहीं, मुश्किलों का समाधान मांगने आते हैं। समाधान के लिए आया था पंडित जी, तो समाधान मिला ही नहीं। मजाक तो देखिए जिंदगी का, जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल है, कोई नहीं मिल रही मुझे। बेटा, भगवान की लीला पे भरोसा रख। कई बार जो हमारी मर्जी होती है वो भगवान की मर्जी नहीं होती, और जो भगवान की मर्जी होती है वही हमारे लिए ज्यादा सही होती है। नमस्कार। जीजा जी उठिए, वरना वहाँ कोई और उठ जाएगा। दुल्हन के भाई हैं, शौक से डोली उठाना चाहते हैं, वही उठाने दीजिए। नहीं पंडित जी, नहीं, मैं नहीं मान सकता कि सब कुछ सही होता है। मेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आइंदा हमारी बात काटी कमला तो याद रखना, तुम्हारे मायके का रास्ता पता है हमको। आयुष्मान की इतनी हिम्मत कि एक नौकरानी को अपनी गोद में लेकर आ रहा है। अब देखिए गहना, जेवर या जंजीर, दंगल प्ले पर टीवी से पहले।